अध्यक्ष महोदय, इसी भाषण में मुझे खुशी है कि सरकार ने आयुष्य भारत डिजिटल मिशन की बात की, जिसके अंदर अफोर्डेबल हेल्थ केयर यानी के जो हेल्थ सर्विसेज हम दे रहे हैं उसको और बेहतर करने की बात की, आयुष भारत हेल्थ कार्ड की बात की। लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा अध्यक्ष महोदय, और मैं इस सरकार से निवेदन करूंगा कि आज सरकार का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ के अंदर वो लेस देन 3% है, इसको सरकार 7% तक ले जाए। एक और योजना के बारे में कहा गया, माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आंकड़े कुछ शहरों के आपको बताऊंगा जिसमें भिवंडी, मालेगांव और दूसरे इलाके हैं। आज भी ऐसे इलाकों के अंदर जो डिलीवरी हो रही है वो 25% घर में हो रही है। अध्यक्ष महोदय, एक 12,000 डिलीवरी समझिए भिवंडी शहर में होती है, और ये 12,000 डिलीवरी को मॉनिटर करने का काम पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करता है अध्यक्ष महोदय, और इस योजना का पूरा आधार ICDS है। इस योजना के अंदर अगर ICDS देखेंगे तो 3,000 प्रेगनेंसी से ज्यादा ICDS काम नहीं देख पा रहा है, क्योंकि आज भी महाराष्ट्र में 8,200 से ज्यादा आंगनवाड़ियों की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय मैं इसीलिए मैं कान पे लगा दिया हूं, क्योंकि अगर एक नया आमदार बोल रहा है और मंत्री महोदय नहीं सुन रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा है सर, अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, सर मैं ये कहना चाहता हूं, भावना लक्षित गया, अतिशय पोट तिड़कने मानता है। धन्यवाद सर, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे विषय पे बात करें। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे सीनियर्स मेरी बात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। मैं तो आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, शुक्रिया कह रहा हूँ आपका। नहीं नहीं सर, मैं अच्छे से कह रहा हूँ सर। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर भिवंडी शहर को एग्जाम्पल ले, और डॉक्टर साहब 12,000 अगर डिलीवरी पब्लिक हेल्थ रिकॉर्ड कर रहा है, और ICDS जिसको इस स्कीम को इंप्लीमेंट करना, आयुष्य भारत माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित, और ICDS के पास यंत्रणा इतनी है कि 3,000 डिलीवरीज देख सकता है, तो ये सरकार क्या कर रही है। और अध्यक्ष महोदय, ये तो डबल इंजन की सरकार है, 8,200 आंगनवाड़ी इनको सैंक्शन करना है। मैं 8 महीने से पाठ पुरावा कर रहा हूं, लेकिन सरकार ने ये 8,000 आंगनवाड़ियां महाराष्ट्र को दी नहीं, जिसकी 200 आंगनवाड़ियां भिवंडी को मिलनी है। लोधा जी है नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते हैं ऐसे GR के अंदर जिसकी महाराष्ट्र को जरूरत नहीं है।